Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of December 2019. So, 12th December 2019 ka news analysis dekhenge. Before we start, those who want to get the current affairs PDF or the Hindu notes, jo ki available rehti hai monthly, wo le sakte hain. Niche link mein description aur comment section mein link di hui hai. And those who want to join our current affairs portal, jo hamara portal join karna chahte hain, and wahin pe bhi hum koshish karenge ki MPPSC ki test series bhi start kare, ya fir aapko at least इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ये सब कुछ वीडियोस ही बना दें एमपीपीएससी के लिए, एमपी रिलेटेड वीडियोस मेन, क्योंकि एमपी रिलेटेड वीडियोस ही है जिसमें आपको दिक्कत होने वाली है. तो वी विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो फॉर यू. सो दोज हु वांट टू जॉइन द पोर्टल, दे कैन जॉइन इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो फर्स्ट इज बंग भाषा प्रकृषिका सभा, सेकंड इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, थर्ड इज इंडियन लीग, फोर्थ इज मद्रास महाजन सभा. अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कब कौन बनी थी. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 4, 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम. जो फिलोसॉफिकल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से डिराइव हुआ है. ऑप्शन आर ए ब्रिटेन एंड यूएस, बी यूएस एंड आयरलैंड, सी फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका या डी आयरलैंड एंड कैनेडा. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Union of India is larger concept than territory of India. Indian Union is indestructible union of destructible states. आप आपको बता रहे हैं कौन से स्टेटमेंट सही है. वन ऑनली, टू ऑनली, बोथ या नन. सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू टूडे. प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट. आई विल गिव यू द आंसर इन द एंड ऑफ द वीडियो. मैं आपको एंड में आंसर बता दूंगा. एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. पहला हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को डिस्कस करेंगे, जो कि एक एक्ट बन चुका है, दोनों में पास हो चुका है लोकसभा सभा में. देन नानावती मेहता पैनल के बारे में जानेंगे कि क्या है ये. देन PSLV के बारे में जानेंगे, जो 50th लॉन्च हुआ है उसका, उसके बारे में जानेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, व्हाट इज़ दिस फंडामेंटल ड्यूटी कंसेप्ट एंड ऑल, कहाँ से आया एंड कितनी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा जल रहा है इस समय, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे एट द फिलोसॉफिकल लेवल. हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे. देन दिशा बिल के बारे में जानेंगे, जो आंध्र प्रदेश में भी रिसेंटली पास हुआ है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल एक्चुअली, दिशा बिल. एंड इसके बाद हम आंध्र प्रदेश के एक नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, जहाँ पे बटरफ्लाई का सेंसस होने वाला है. हैवी मेटल्स कंटेमिनेटिंग इंडियन रिवर्स के बारे में जानेंगे, जो कंटेमिनेशन हो रहा है रिवर्स का बिकॉज ऑफ द हैवी मेटल्स. उसके बाद हम देखेंगे कुछ एडिटोरियल्स भी, एंड क्या क्या एडिटोरियल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा आगे. देन इसके बाद हम जानेंगे कि डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, और उसको जॉइंट पैनल में रेफर कर दिया गया है. देन लोकसभा ने पास किया बिल फॉर द यूनिफाइड अथॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसके बारे में भी जानेंगे. एंड इसके बाद फाइनली हम आगे मूव करेंगे और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जानेंगे. देन बोगन विले के बारे में जानेंगे, जो कि नई कंट्री बनने वाली है, उसने रेफरेंडम पास किया है फॉर बिकमिंग अ न्यू कंट्री. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड बाय अस इन डिटेल इन द कमिंग सेगमेंट. तो लेट्स मूव एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन. आफ्टर हीटेड डिबेट राज्यसभा क्लियर्स द सिटीजनशिप बिल. अब आप सबको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में, और राज्यसभा, लोकसभा ने इसको पहले ही पास कर दिया था 350+ मेजोरिटी से, और अब इसको राज्यसभा ने भी 100+ मेजोरिटी से इसको पास कर दिया है. तो सबसे पहली बात कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो किस एक्ट को अमेंड करेगा, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करेगा, ठीक है. दूसरी चीज इसमें जो कट ऑफ डेट है वो कितनी है, कट ऑफ डेट 31st December 2014 रखी गई है. मतलब कि 31st December 2014 के पहले अगर तीन कंट्री से, तीन कंट्री कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन कंट्री से आने वाली 6 कम्युनिटी के लोगों को, 6 कम्युनिटी कौन कौन सी, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, सिख, ये 6 कम्युनिटीज़ के लोग अगर इन तीन कंट्रीज से आते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो फिर उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा. इलीगल माइग्रेंट कौन से एक्ट्स के थ्रू डिक्लेयर होते थे, तो पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखेगा, पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946. तो इनके तहत इनको इलीगल माइग्रेंट नहीं घोषित किया जाएगा. और अगर वो 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब 5 ईयर से ज़्यादा रह रहे हैं, तो उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप देने का प्रोविजन बनाया गया. कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे सर 6 ईयर्स है नॉट 5 ईयर्स, एंड 12 ईयर्स था नॉट 11 ईयर्स. तो मैं बता दूं कि एक्चुअली में 5 ईयर्स एंड 11 ईयर्स था पहले. पहले 11 साल था, अब 5 साल हो गया है. लेकिन 1 साल क्या होता है कि कंटिन्यूएशन में आपको रहना पड़ेगा, इसलिए वो 12 ईयर्स और 6 ईयर्स कुछ लोग बोल रहे हैं. तो वो कन्फ्यूजन हटा लेना, 11 से घटा करके 5 साल कर दिया गया है, और 1 साल आपको कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर दैट सिटीजनशिप. ओके, तो ये रहता है नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट. तो राज्यसभा ने भी पास कर दिया, एंड फाइनली दिस विल नाउ बिकमिंग एन एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. इसके बाद ये एक्ट बन जाएगा. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. देन मोदी गेट्स क्लीन चिट फ्रॉम द नानावती मेहता पैनल.
तो नानावती मेहता कमीशन के बारे में बताया तो आपको, एक्चुअली 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे उनके बाद एक कमीशन बनाई गई थी जिसको नानावती मेहता कमीशन बोलते हैं. ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अंडर दिस. एंड उस पैनल ने जो बेसिकली ये 2002 के राइट्स थे उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है. ओके, सो दिस इज द थिंग. एंड गुजरात असेंबली में ये रिपोर्ट टेबल की गई है, अभी रिसेंटली टेबल की गई है. एंड इन दैट रिपोर्ट इट हैज़ बीन क्लियरली सेड दैट ही वॉज नॉट इन्वॉल्व एंड उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई. ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, गोधरा में जो कांड हुआ था उसके बाद जो गुजरात राइट्स हुए थे, सो इन दैट नानावती मेहता पैनल, ये नाम जरूर याद रखिएगा अगर कोई आपसे पूछता है कि नानावती मेहता पैनल किस किसके रिगार्डिंग है, तो ये गुजरात राइट्स के रिगार्डिंग ये पैनल बनाया गया था. सो दिस इज द फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ये आप जरूर याद रखिएगा. PSLV's 50th लॉन्च. ओके, तो ये गोल्डन जुबली कह सकते हैं आप, गोल्डन जुबली हैज बिन देयर PSLV का. एंड 50th लॉन्च अभी हुआ. RISAT-2BR1 जो था वो लॉन्च किया गया, RISAT-2BR1. ओके, तो ये याद रखिएगा, RISAT-2BR1 को लॉन्च किया गया. ये PSLV का मिशन था, 50th लॉन्च था PSLV का. एंड इन जो अगर आप बोलना चाहें तो PSLV आज तक केवल दो बार फेल हुआ है, बता देता हूँ, दो बार PSLV आज तक फेल हुआ है. एक बार 1993 में PSLV D1 में. ओके, तो याद रखिएगा PSLV D1 में पहली बार फेल हुआ था 1993 में. देन PSLV C39 August 2017 में फेल हुआ था. तो PSLV हैज फेल्ड ओनली ट्वाइस इन द, जो पहली थी PSLV D1 की फ्लाइट 1993 एंड PSLV C39 जो कि अभी 2017 में हुआ. RISAT-2BR1 जो सैटेलाइट है उसका यूज कहाँ होगा, उसका यूज होगा एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में. देखो जितनी भी ये पोलर सैटेलाइट्स हैं ना जो अभी नीचे मतलब 670 680 इतने किलोमीटर्स पे रहती हैं, तो इनका जो काम रहता है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, सपोर्ट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, इन चीज़ों में ज़्यादा रहता है. और जो ऊपर रहती है ना जैसे 36,000 किलोमीटर में जो GSAT वाली सैटेलाइट्स रहती है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहती है, उनका जो यूज़ रहता है ज़्यादा वो टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है. तो ये मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपसे कभी डाउट हो, जैसे आगे कभी UPSC पूछता है कि RISAT-2BR1 का फंक्शन क्या होगा, तो अगर आपसे टेली कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से काम होता है. तो ये आप थोड़ा कंसेप्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो RISAT-2BR1 जो पोलर लेवल पे रहेगी उसका जो काम रहेगा बेसिकली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने का काम रहेगा. इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, इसकी कितना क्या है. PSLV का जो कैरिंग कैपेसिटी था 850 का था. ओके, दैट इज़ द थिंग. एंड इसको इन्हांस करके 1.9 टन्स तक किया जा चुका है. सो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट. ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो ये RISAT-2BR1 लॉन्च हुआ है ना, ये QL वर्जन में लॉन्च हुआ है, QL वर्जन में. ओके, तो ये QL वर्जन में लॉन्च हुआ है और QL वर्जन जो है उसमें 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स रहते हैं. ओके, 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स रहेंगे. XL वर्जन होता है जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स रहते हैं और एक कोर अलोन CA यानी कि कोर अलोन वर्जन रहता है जिसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन मोटर नहीं रहते हैं. ओके, तो कोर अलोन में नन, XL में आपका 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स बूस्टर्स, और आपका जो QL वर्जन है जो कि इस बार यूज हुआ है उसमें 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स यूज होता है. ठीक है ना, तो ये डिफरेंस भी याद रखिएगा. ये 3 वर्जन है, कोर अलोन एंड आपका देन XL वर्जन, देन QL वर्जन. जो QL वर्जन है वो 50th फ्लाइट में यूज हुआ है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. तो ये फैक्ट बताना देखो जरूरी था, ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे QL, XL और KCA में अंतर कि 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, नन. लेकिन UPSC पूछ सकता है ना. 10 फीट हाई वॉल ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एट प्रोमिनेंट स्पॉट्स इन दिल्ली. तो बेसिकली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के 70 साल होने वाले हैं. आप सबको पता है कि 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा फोर्स में आ गया था ना, 26 जनवरी 1950 टू बी प्रिसाइज. और 70th एनिवर्सरी उसकी होने वाली है क्योंकि 2020 में होगी. तो उसके लिए अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सब जानते हैं बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता हूँ. दे आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर Part 4A. अगर आप सबको पता है कि Part 4A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल ड्यूटी का है. ओके, ये आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ओके, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो कमेटी थी आई थिंक वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी ना, क्या कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी. तो एक बार इसका भी देख लेना, इसको क्लियर कर लेना प्लीज़ डू टेल मी कि कौन सी कमेटी थी ये जिसने रिकमेंड किया था रिगार्डिंग दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़. और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ही आया था. सो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट.
एंड इसमें अभी एट प्रेजेंट आई थिंक 11 ड्यूटीज है इसमें, 10 ड्यूटीज तो पहले ही थी, 11वीं ड्यूटी इसमें 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुई है, ओके 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 11 ड्यूटीज हैं, 11वीं ड्यूटी जो है वो 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड की गई है, तो ये आपको चीज़ ज़रूरी है जानना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है ये प्लीज़ लिख के मुझे बताइएगा, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, प्लीज़ डू टेल मी दैट, ओके कमेंट में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन आता रहता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है कौन सी नहीं है, तो प्लीज़ डू टेल मी कौन सी ड्यूटीज़ हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव का। हाँ कल कुछ लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, बट दे वर रिक्वेस्टिंग दैट कि प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक बार ज़रूर बोलिए। तो देखो आई डोंट नो कि कितनी ज़्यादा रीच है हमारे चैनल की कितनी नहीं है, बट आई स्टिल थिंक दैट 20-30,000 पर्सन पर डे आर वॉचिंग आर वीडियोज, 20-30,000 लोग हमारा वीडियो देखते हैं पर डे। तो एक सिंपल सी बात यह है कि आपको पीस मेंटेन करना है एट ऑल कॉस्ट, वॉट एवर हैपन्स। देखो कुछ भी है कंट्री में इवोल्यूशन होता है, चेंजेस होते हैं, देर आर चेंजेस गोइंग ऑन, बट वी हैव टू कीप पीस एट ऑल मोमेंट्स। याद रखना है आपने को कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा माइटी होती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बट इट इज़ आर ड्यूटी टू मेंटेन पीस, और हमको मेंटेन करना है पीस क्योंकि हम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इट इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट, एंड अगर कहीं से कोई भी लिंक गवर्नमेंट की हो सकती है, अगर ये वीडियो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई बड़े ऐसे पद पे जो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रह सकते हैं या जानते हैं, तो प्लीज़ आप मतलब एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट वी वांट पीस, वी वांट नथिंग एल्स, हमको केवल शांति चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, पीस एट ऑल कॉस्ट है ना, दैट इज़ आर मोटो। सो उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए, लोगों को फ्रीडम, लोगों को थोड़ा सा जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड करिए, एंड पीस मेंटेन रखिए, सो दैट इज़ द थिंग। एंड हर हालत में आपको दूसरों का एंग्विश, दूसरों का दर्द क्या चीज़ है उसको जानने की ज़रूरत है, एंड प्लीज़ मेंटेन पीस एट ऑल कॉस्ट, दिस इज अ रिक्वेस्ट। एंड टू द सिटीजन्स ऑल्सो, अगर आप लोग ऐसे रीजन में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं जहाँ पे आप हैं, तो प्लीज़ डू नॉट गेट इन टू द टॉक्स ऑफ सम अदर, किसी और की बातों में मत आके इस तरह से काम करने लगेगा कि आप प्रोटेस्ट में चले जाओ या वो, प्लीज़ मेंटेन पीस। एंड दूसरों को भी आप यही हिदायत दीजिए कि आप अपनी तरफ से एटलीस्ट शांति बनाए रखिए, सब कुछ हो जाता है बाद में ना, सब ठीक हो जाता है, लेकिन एट द मोमेंट जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है उसमें थोड़ा आपको अपना काम रखने की ज़रूरत है। रिचर्ड ब्रांसन टू मीट उद्धव टू सी क्लैरिटी ऑन मुंबई पुणे हाइपर लूप, तो मुंबई पुणे हाइपर लूप का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वही उसी की बात चल रही है। हाइपर लूप के बारे में मेजरली मेरे को आपको बताना था, हाइपर लूप क्या है। हाइपर लूप इज़ बेसिकली ए न्यू टेक्नोलॉजी जहाँ पे वैक्यूम इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड कार्गो एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको लोगों को और कार्गो दोनों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये पुणे मुंबई हाइपर लूप प्रोजेक्ट की बात चल रही है, विच इज़ वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स ग्लोबली, मतलब ग्लोबली ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो बहुत रेयर प्रोजेक्ट्स में है पुणे मुंबई का जो हाइपरलूप है, इंडिया का तो आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट है। हाइपरलूप एक सील्ड ट्यूब सिस्टम होता है, सील्ड ट्यूब सिस्टम होता है, एंड इट इज लाइक अ पॉड, एक पॉड की तरह होता है, जैसे इस तरीके से समथिंग स्ट्रीमलाइन, इस तरीके के समथिंग दिखता है ये ना, इस तरह से पॉड, क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी में ही मूवमेंट हो सकता है, तो ये स्ट्रीमलाइन रहता है इस तरह का, थोड़ा पॉड टाइप का रहता है, एंड इट ट्रेवल्स फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस, फ्री ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस से फ्री, इसलिए ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है, एंड एक वैक्यूम क्रिएट करके चलता है, एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को बहुत कम समय में कवर कर सकता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस। आंध्र प्रदेश कैबिनेट क्लियर्स दिशा बिल टू इंश्योर रेप वर्डिक्ट्स इन 21 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने क्लियर किया है आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019। अगर आपसे कोई पूछे दिशा बिल कौन से स्टेट ने पास किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने पास किया है। दूसरा पूछ सकता है कि दिशा बिल जो आंध्र प्रदेश ने पास किया है वो किसके रिगार्डिंग है, तो रेप वर्डिक्ट्स के टाइम को घटाने के लिए, टू रिड्यूस द रेप वर्डिक्ट्स टाइम। अभी जो करेंटली टाइम पीरियड है वो 4 मंथ का रखा गया है इन आंध्र प्रदेश, 4 मंथ्स में ये रेप वर्डिक्ट्स के जो आते हैं 4 मंथ्स है एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड, तो उसको घटा करके 21 दिन कर दिया गया है। नाउ रेप वर्डिक्ट्स विल कम विद इन 21 डेज, और जो प्रोब और ट्रायल है उसे 14 दिन में कंप्लीट करना है, जजमेंट 21 दिन तक आ जाना चाहिए। तो ये आपको लिखा हुआ देखो मिल गया पॉइंट, प्रोब एंड ट्रायल वुड बी कंप्लीटेड इन 7 and 14 working days, एंड जो ट्रायल का जो वर्डिक्ट है वो 21 दिन, देखो यहाँ पे लिखा ना बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, 21 दिन में ट्रायल का वर्डिक्ट आ जाना चाहिए। तो दिस इज द आंध्र प्रदेश दिशा बिल। तो आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 भी है, आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, एंड इसी को दिशा बिल भी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल को ही आंध्र प्रदेश दिशा बिल भी बोला जा रहा है। और इसमें बेसिकली आई थिंक दो नए
सेक्शंस भी ऐड किए गए हैं ना। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो वॉयरिज्म के केसेस होते हैं, स्टॉकिंग के केसेस हैं, एसिड अटैक, गैंग रेप्स, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सब केसेस को जो बेसिकली हैं इन सब के में जो ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस दिशा बिल। ओके, और इसमें द प्रपोज्ड लॉ सीक्स टू अमेंड रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 एंड CRPC 1973। तो उसके भी कुछ प्रोविजंस कमेंट करने की कोशिश की जा रही है। और सेक्शन 354E और 354F इंट्रोड्यूस होगा। सेक्शन 354E एंड 354F ये दो सेक्शंस इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो सेक्शन 354F ये लिखा हुआ है। सेक्शन 354F बोलता है कि मोलेस्टेशन सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, इम्प्रिजनमेंट इज सॉट टू बी इंक्रीज टू अ मिनिमम ऑफ 5 years एंड मैक्सिमम ऑफ 7 years। तो अगर मोलेस्टेशन का या सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस है तो वो 5 साल से बढ़ाकर मतलब मिनिमम 5 साल की सज़ा होगी और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा इस इन केसेस के लिए भी 354F में रखने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मेन दिशा बिल नाम जरूर याद रखेगा, आंध्र प्रदेश याद रखेगा। जो ट्रायल का टाइम पीरियड है वो 4 महीने था पहले जजमेंट का, अब वो घटा करके 21 दिन कर दिया गया है। ट्रायल और प्रूफ को 14 दिनों में कंप्लीट कर लेना, 7 से 14 दिनों में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। स्टेज सेट फॉर मेडन सर्वे ऑफ बटरफ्लाइज इन आंध्र प्रदेश नेशनल पार्क। तो केरला से 50 एक्सपर्ट्स को बुला करके पहला एक तरीके से कहना चाहिए बटरफ्लाई का सर्वे किया जाएगा एंड दिस विल बी हेल्ड इन द पापीकोंडा नेशनल पार्क ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, तो याद रखिएगा कहाँ पे होने वाला है सर्वे, बटरफ्लाई फर्स्ट सर्वे ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज इन द पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो अगर आपसे कोई लोकेशन पूछता है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इट इज़ अ नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे बटरफ्लाई सेंसस यानी कि बटरफ्लाई सर्वे होने वाला है, बेसिकली नॉट सेंसस, बटरफ्लाई सर्वे होने वाला है। सो याद रखिएगा। हैवी मेटल्स कंटेमिनेटिंग इंडियाज रिवर्स। तो हैवी मेटल्स, अभी रिसेंटली सैंपल्स टेस्ट हुआ था बहुत सारी साइट्स का, नियरली 65% ऑफ द टेस्टिंग साइट्स वर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स का एक्सीडिंगली ज़्यादा लेवल का कंटेमिनेशन था, मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा था। ओके, एंड दिस इज एज पर द सर्वे ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सर्वे किया और उसमें यह पता चला कि मतलब जो 65% ऑफ द टेस्टेड साइट्स हैं, मतलब 65% टेस्टेड साइट्स में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हैवी मेटल्स देखने को मिला। ओके, एंड ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की थी बेसिकली सेंट्रल वाटर कमीशन ने कंडक्ट की थी, सेंट्रल वाटर कमीशन ने, एंड दिस वाज कंडक्टेड बिटवीन 2014 टू 2018। ओके, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसने 2014 से लेकर 2018 तक ये सारे एक्सरसाइजेस कंडक्ट की और उसके बाद ये रिजल्ट देखने को हमको मिल रहा है। एंड ये आप सबको पता होना चाहिए कि जो ये हैवी मेटल्स होते, फॉर एग्जाम्पल आयरन जो था वो सबसे बड़ा कंटेमिनेंट था। आयरन वॉज द बिगेस्ट मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट और बहुत सारे मेटल्स रहते जैसे कि निकल, ये सारे मेटल्स भी रहते हैं, आर्सेनिक एंड ऑल, बट जो आयरन था वो सबसे ज्यादा था। क्रोमियम एंड लेड भी बहुत ज्यादा है, क्रोमियम एंड लेड, तो ये भी याद रखिएगा, आयरन क्रोमियम लेड ये बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आयरन वाज द मोस्ट कॉमन ऑफ द कंटेमिनेंट्स एंड आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, राप्ती, नर्मदा, गोदावरी, ये वाटर बॉडीज थी जहां पे बेसिकली हुई। और ये सर्वे जो हुआ सोर्स, ये सेंट्रल वाटर कमीशन का सर्वे है, सेंट्रल वाटर कमीशन का सर्वे है। अब सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर हैवी मेटल्स हैं वाटर में बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी हेल्थ की बीमारियां होती हैं। इफ़ दे एक्सीड द सेफ लिमिट्स, इफ़ दे आर एक्सीडिंग द सेफ लिमिट, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द हैवी मेटल्स इन वाटर बॉडीज। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन नाउ। तो पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे द डेली डॉगमा फैलेसी ऑफ द राइट। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो इशू उठाया गया है वो एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच को लेके उठाया गया है, क्योंकि एस जयशंकर ने एक्चुअली जब स्पीच दिया तो इट वाज अ वेरी सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब खुद के अपने मुँह में मिट्ठू बनने वाली टोन थी। और हैप्पी मॉन जैकब का ये कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड फ्रॉम 2014 ऑनली, जब से न्यू गवर्नमेंट आई है। तो जयशंकर वॉज सेइंग एज इफ द हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड फ्रॉम 2014 ऑनली, उसके पहले जो भी चल रहा था सब गलत ही चल रहा था इस कंट्री में। सो दिस वॉज द टोन एंड रिगार्डिंग दैट ऑनली 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया गया और जिनके बारे में हैप्पी मॉन जैकब का कहना है कि क्यों वो चीज़ उस समय सही थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो पहला इशू उठाया गया वो ये है कि टेकिंग कश्मीर इशू टू द UN।
तो बहुत लोगों का ये मानना है कि जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जब कश्मीर का मुद्दा था उसको यूएन में ले गए तो दैट वाज अ मिस्टेक. तो एज पर द ऑथर दिस वाज नॉट अ मिस्टेक, बिकॉज अगर हम उस समय की बात देखें तो जो पाकिस्तान थी दे वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, उसके अलावा दे वर इन द यूएसए कैंप. और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम फोर्स के थ्रू जम्मू कश्मीर को हथिया लेते एट दैट मोमेंट, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग मिस्टेक. तो जवाहरलाल नेहरू वॉज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट टेक जम्मू कश्मीर बाय फोर्स एट दैट मोमेंट, चाहे वो एग्री कर रहे हैं राजा हरी सिंह या नहीं, लेकिन हमको ये जानना जरूरी था कि वो हम फोर्स के थ्रू उनको नहीं रख पाते. सो ही डिड द सेकेंड बेस्ट थिंग दैट कुड हैव बीन डन एंड दैट वॉज गोइंग टू द यूनाइटेड नेशंस, जो कि 1945 में 24 अक्टूबर को बना था. सो दिस इज द वॉट द ऑथर थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कई लोग बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट हमने स्टार्ट किया ना मूवमेंट, दैट वॉज ऑल्सो अ मिस्टेक, वी शुड हैव ज्वाइंड यूएसए और वी शुड हैव ज्वाइन यूएसएसआर. तो ऑथर का कहना है कि दैट वॉज ऑल्सो बैड, क्योंकि हमारा जो फोकस था, जो हमने लड़ाई लड़ी पूरी नेशनल मूवमेंट की, वो सॉवरेनिटी के इशू में लड़ी थी हमेशा. ओके, वी वॉन्टेड अ सॉवरेन नेशन एंड इफ वी वुड हैव ज्वाइंड अ कैंप और इफ वी वुड हैव ज्वाइंड अ कंट्री देन वी वुड नॉट हैव बीन सॉवरेन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग में हम सॉवरेन नहीं होते. और इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया का केस जो है वो दूसरी कंट्रीज से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है बेसिकली उसमें एक माइनॉरिटी, एक कंट्री एथनीसिटी के लोग नहीं रहते, बहुत सारी एथनीसिटी, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं. सो इन दैट सिनेरियो जो हमारा न्यूट्रल अप्रोच था नॉन अलाइनमेंट वाला, इट वाज आल्सो नॉट अ पैसिव न्यूट्रलिटी. ऐसा नहीं था कि हम पैसिवली न्यूट्रल थे कि हम कोई भी मुद्दा उसमें अपनी बात नहीं कहेंगे. ऐसा नहीं था, हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के मुद्दे में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे. इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिस्प्यूट सेटलमेंट, है ना. तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ हिस्ट्री थोड़ा सा उठाइए वर्ल्ड की और उसमें जाके देखिए. एंड वी प्लेड वेरी एक्टिव पार्ट बट वी वर साइलेंट ऑन टर्म्स लाइक कि हम किस कैंप को ज्वाइन करेंगे एंड दैट वॉज इन आर बेनिफिट ऑल्सो, क्योंकि हमने यूएसए से भी मदद ली और यूएसएसआर से भी मदद ली. तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि चाइना के युद्ध में अगर हम किसी कैंप में होते तो हम जीत जाते. तो अगर ऐसा लगता है आपको तो पाकिस्तान क्यों नहीं जीता 1965 और क्यों नहीं जीता 1971, जबकि ही वॉज पाकिस्तान वॉज ऑन द साइड ऑफ अमेरिका, अमेरिका वॉज ऑन पाकिस्तान साइड, तो क्यों नहीं जीता वो? तो ये चीज़ सोचना कि 1962 में वॉर हम चाइना से जीत जाते अगर हम अमेरिका की साइड होते या यूएसएसआर की साइड होते, तो ये भी एक गलत सोच है. तीसरा जो इशू है जो कई बार लोगों ने उठाया है वो है अभी यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन चाइना एंड आरसीईपी. तो सबसे पहली बात यहाँ पे, हाँ, ये चीज़ ऑथर ने उठाई है बेसिकली कि जो एस जयशंकर का स्पीच था उसमें ये क्लैरिटी नहीं कि हम क्यों आरसीईपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या फिर क्यों हम अपने हमारा क्यों एक्सपोर्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्यों हम इस तरह से डर रहे हैं कि हम एक मार्केट के रूप में रह जाएंगे. सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉट क्लियर फ्रॉम द एस जयशंकर स्पीच. एंड जो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्यून थी उसको निशाना साधते हुए इन्होंने जरूर कहा है कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री 2014 शुरू हुई और या फिर हम उसके पहले पुअर परफॉर्म कर रहे थे. अगर हम 2004-5 का डेटा देखें तो हमारी जीडीपी वन ऑफ द बेस्ट डबल डिजिट ग्रोथ की जीडीपी है जो आज तक अचीव नहीं की हमने अभी भी. तो ये सारी चीज़ें बोलना कि हम पहले बिल्कुल कुछ नहीं थे और अभी सब कुछ हो गए, सो दिस वॉज रॉन्ग एज पर द ऑथर. स्ट्रेंथ इन नंबर्स, नाउ दिस इज द आर्टिकल रिटन रिगार्डिंग द जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंटली एक निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है जजेस के अपॉइंटमेंट की. उन्होंने नाम सजेस्ट किया, लगभग 213 नाम रिकमेंड है, लेकिन उनका फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया इन द वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें कि बिहार, ये सारे हमने कई एग्जांपल्स देखे थे, कल बताया था मैंने आपको. तो यही वाली बात है कि डाटा शोज दैट 38% ऑफ ऑल द सैंक्शन पोस्ट फॉर हाई कोर्ट जजेस आर लाइंग वेकेंट. मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो उनमें से 38 सीट तो वैकेंट चल रही है. तो वही वाली बात ऑथर ने कही कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां बहुत ज्यादा पेंडेंसी ऑफ अपॉइंटमेंट है और नाम दे दिए गए हैं फिर भी ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है. बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है कि प्रोसीजर ये होता है कि एक मेमोरेंडम प्रोसीजर है जो कि बोलता है ये 6 month बिफोर अ वैकेंसी अराइजेस, उसके पहले ये स्टार्ट हो जानी चाहिए जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है. 6 month बिफोर अ वैकेंसी अराइजेस, है ना. तो ये नाम सजेस्ट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के द्वारा एंड ये सारे सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजे जाते हैं, सॉरी, नेम जो है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को भेजे जाते हैं. फिर उसके बाद कोलिजियम नाम को क्लियर करता है, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री जो है वो रिकमेंडेशन रखती है प्राइम मिनिस्टर के सामने एंड फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का एडवाइस लेके उसको अपॉइंट किया जाता है. बट ये जो प्रोसेस है पार्लियामेंट वाली, जो प्रेसिडेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर के सामने वाली प्रोसेस, इसमें ज़्यादा लेट हो रहा है. और सुप्रीम कोर्ट ने नाम क्लियर भी कर दिए हैं फिर भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया. सो दिस इज द थिंग. एंड दिक्कत यह है कि इसमें कोई टाइम लिमिट
नहीं प्रिस्क्राइब्ड है। तो ऑथर ने ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली रिकमेंडेशन ये दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि एक टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट, एक प्रॉपर टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके विद इन आपको अपॉइंटमेंट करना ही करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग विच वॉज देयर, एंड इसी चीज़ को उठाया गया है कि जो पेंडेंसी है इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी आती है, जो वैकेंसी है वैकेंसी से ही पेंडेंसी आएगी। द नॉट सो ब्राइट आइडिया ऑफ सेलिंग ऑफ द फैमिली सिल्वर, अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये जो पी एस सी यूज़ को बार बार बेच रही गवर्नमेंट, जैसे कि अभी बी पी सी एल का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है ना, बी पी सी एल को भी बेचने की बात चल रही है, तो ऑथर ने कहा है कि जो ऐसी पी एस सी यूज़ हैं जो कि प्रॉफिट दे रही थी ऑलरेडी, मतलब कि आपको पैसा मिल रहा है, रिटर्न भी ठीक ठाक मिल रहा है, उनको बेचना ज़रूरी नहीं है। क्यों मतलब पहला सबसे पहली बात कि एक जो क्वेश्चन है ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट को बिल्कुल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, शुड द गवर्नमेंट वी नॉट बी इन्वॉल्व एट ऑल इन बिजनेस। सेकेंड ये है कि फिस्कल डेफिसिट कम करने का क्या ये सही तरीका है, बी पी सी एल को बेचना या ऐसे पी एस सी यूज़ को बार बार बेचते रहना क्या ये सही तरीका है फिस्कल डेफिसिट को कम करने का। तीसरा ये है कि पब्लिक या प्राइवेटली ओन्ड कौन सा ज़्यादा सही है गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक ओन्ड होना चाहिए प्राइवेटली ओन्ड होना चाहिए। फोर्थ जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ तो ऑथर ने जो उठाई वो है लॉस ऑफ रेवेन्यू। अगर हम बी पी सी एल का जो ट्रांजेक्शन देखें, बी पी सी एल एक अच्छे रिटर्न वाली कंपनी है, पी एस यू है, जिससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। एंड इफेक्टिव टैक्स रेट जो प्रॉफिट का है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर अ टैक्स ऑफ बी पी सी एल, दैट इज़ अबाउट 34%, लेकिन जब इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा तो ये 25 से 28% में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो डिक्रीज होगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट को इंपैक्ट करेगी बीपीसीएल के जाने से। फिस्कल डेफिसिट का जो पॉइंट ऑथर ने उठाया उसमें ऑथर ने ये बोला है कि फिस्कल डेफिसिट इंडिया में ना कभी कम हुआ है, आगे भी कम नहीं होगा। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को आरबीआई ने इतना ज्यादा पैसा दिया फिर भी हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं कम हुआ। तो अगर हमको ये लगता है कि पीएसयूज को बेच करके हम फिस्कल डेफिसिट कम कर लेंगे, सो दैट इज अ वेरी टेम्पररी सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। और आगे जैसे ही अभी कुछ दिनों बाद फिर से फिस्कल डेफिसिट उतना ही हो जाएगा, तो नवरत्नास को इस तरह से बेचना, महारत्नास को इस तरह से बेचना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, तीसरा जो ऑथर ने इशू उठाया है वो उठाया है कि जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी वी पॉइंट। तो जो भारत पेट्रोलियम कंपनी है, बीपीसीएल है, या इस तरह की जो कंपनी जो कि ऑयल या पेट्रोलियम रिजर्व्स को कंट्रोल करती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया चाइना एंड यूएसए का, कि चाइना यूएसए में भी अगर आप देखो तो बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो ऑयल सोर्सेज हैं दे आर अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ओके, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। यही चीज़ें ऑथर ने बोली है कि इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ सेलिंग द प्रॉफिटेबल पीएसयूज एंड ऑल, जो स्पेशली द पेट्रोलियम सेक्टर पीएसयूज एंड ऑल, तो ये ऑथर ने सजेस्ट किया है। स्टैगरिंग स्प्रेड, नाउ ये जो आर्टिकल है ये है रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ मीजल्स। अभी ये क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा मीजल्स के केसेस में राइज हुआ है सिंस 2016, 2016 से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मीजल्स के केसेस में राइज हुआ है। अगर मेजर आप रीजन देखें कौन कौन से अफेक्टेड एरियाज, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, सोमालिया, यूक्रेन, ये रीजन है जहां पे लगभग 45 केसेस है वर्ल्ड के मीजल्स रिलेटेड। ओके, मीजल्स किससे होता है और किस तरह की बीमारी है, प्लीज डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। किस तरीके की बीमारी है, वायरल है, बैक्टीरियल है, किस तरह की बीमारी है, प्रोटोजोन है, पैरासिटिक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले यार रीजंस ऑफ स्प्रेड अगर हम देखें, मीजल्स क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है जीएस आई थिंक 2 में 3 में पूछ सकता है, जीएस 3 में, तो मीजल्स के स्प्रेड होने का रीज़न क्या है, तो मीजल्स के स्प्रेड होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वैक्सीन में हेजिटेंसी है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को पूरा ना कर पाना। ओके, तो वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है बेसिकली, जिस कारण से बहुत ज़्यादा मीजल्स का बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। तो वही ऑथर ने वे फॉरवर्ड में बताया कि सबसे पहली बात कि अगर आपको लोगों को वैक्सीन के प्रति अवेयर करना है, एजुकेट करना है, तो सबसे आपको खुद से कुछ प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे, जाकि आप जाके लोगों को इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, किस तरीके से मीजल्स को रोका जा सकता है बता सकें, एंड किस तरीके से अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। तो वही ऑथर ने सजेस्ट किया कि अवेयरनेस स्प्रेड करने का सोचो, एजुकेट करो लोगों को रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन एंड ऑल। टेस्टिंग द जुडिशियल रिफॉर्म्स, अब यहाँ पे बात चल रही है जुडिशियल रिफॉर्म्स की। सबसे पहले ऑथर ने केस उठाया है पेंडेंसी ऑफ केसेस का, कि ली वर्गीस ने लिखा ये आर्टिकल, उन्होंने सबसे पहले इशू उठाया कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, एक क्वेश्चन उसके साथ ये उठता है कि क्या जजेस के अपॉइंटमेंट से पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म हो जाएगी। तो ऑथर का व्यू पॉइंट ये है, सबसे पहली बात कि अगर इस तरीके के पेंडेंसी ऑफ केसेस या पेंडेंसी ऑफ वैकेंसी रहती है कोर्ट्स में और केसेस इस तरह से पेंडिंग रहते हैं, तो ये इरोजन ऑफ जस्टिस है, मतलब इरोजन ऑफ ट्रस्ट है, इरोजन ऑफ ट्रस्ट ऑन द जुडिशरी, लोगों का जुडिशरी पर से विश्वास, लोगों का जो क्रेडिबिलिटी है जुडिशरी की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका इरोजन हो जाता है। और फिर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स हैं, जैसे कि अभी इनकाउंटर्स का हमने बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, इंस्टेंट जस्टिस का चल रहा था, तो इनकाउंटर्स
आर द वे आउट फ्रॉम दैट. तो फिर हमको लगता है कि अच्छा इससे अच्छा तो फिर इनकाउंटर ही, अगर जस्टिस हो ही नहीं रहा टाइम पे. इसके लिए अगर हम दिशा बिल को देखें जो आंध्र प्रदेश का था, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट. अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत अच्छी स्टार्ट है, लोगों का और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा अगर 21 दिन में जस्टिस आने लगा तो. तो वही वाली बात है कि जुडिशियल डिले अगर होता है और परसिस्ट करता है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जो कि इनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स हैं, इनफॉर्मल बॉडीज द्वारा, जो रिलीजियस लीडर्स द्वारा, तो ये सारी चीज़ें फिर एक्टिव हो जाती हैं, जुडिशरी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है. तो उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि सिर्फ नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने से पेंडेंसी खत्म नहीं होगी, आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए. सिस्टमैटिक फ्लॉ यानी कि सिस्टम में ही जो गलती है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. मतलब ये एक फिजिकल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी नहीं है कि आपके पास लोग नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है. मतलब जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ फॉल्टी है, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो फॉल्टी है, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. एंड इसीलिए उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिफॉर्म्स तब पॉसिबल है जब आप पहले प्रॉपर रिसर्च करो, गलती पता रहे आपको कि एग्जैक्टली गलती है कहाँ पे. ओके, देन ओनली यू कैन गेट प्रॉपर रिफॉर्म्स. तो प्रॉपर रिफॉर्म्स के लिए पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एंड प्रॉपर जुडिशियल एरर्स कहाँ पर हो रही है, सिस्टम में कहाँ गलती है वो पता करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कोई चीज़ सही कर सकते हो. डाटा प्रोटेक्शन बिल रिफर्ड टू अ जॉइंट पैनल. अब एक जॉइंट पैनल के पास डाटा प्रोटेक्शन बिल को भेजा गया है. डाटा प्रोटेक्शन बिल को क्यों भेजा गया है? बिकॉज कई लोगों ने इसमें एलिगेशंस लगाए कि आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी का जो आर्टिकल है वो ब्रीच हो रहा है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इसमें ब्रीच हो रहा है. तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 का वायोलेशन है ये डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसलिए इसको इसका अपोज किया गया है काफ़ी ज़्यादा. और इसका जो बेसिकली एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है ये बिल अब, ताकि स्क्रूटनी हो सके बिल की. उसमें 30 मेंबर रहेंगे, 30 मेंबर्स विल बी देयर. ओके, एंड इसके मेन फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल के. डाटा प्रोटेक्शन बिल सबसे पहले याद रखना कि एक रिपोर्ट के थ्रू आया है. वो रिपोर्ट किसने, हाई जो एक्सपर्ट कमेटी थी, कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के थ्रू ये डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात आ रही है. वो कमेटी किसने हेड की थी? बी एन श्री कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम. प्रिलिम्स ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए रिगार्डिंग जो कमेटी थी उसको हेड किसने किया था? तो बी एन श्री कृष्णा हैज हेडेड दैट कमेटी. सुप्रीम कोर्ट जज हैंगे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज. एंड इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस बिल में रिगार्डिंग द कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा. एंड इसमें कंसेंट की बात भी की गई है. फॉर एग्जांपल सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है किसी व्यक्ति का, जैसे कि हेल्थ डेटा, सेक्स लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक डेटा, जेनेटिक डेटा, ट्रांसजेंडर स्टेटस, इंटरसेक्स स्टेटस, कास्ट, ट्राइब, रिलीजियस और पोलिटिकल बिलीफ एंड एफिलिएशन. ओके, ये सारी चीज़ों के बारे में डाटा ने क्लासीफाई किया है इस, मतलब ड्राफ्ट बिल ने इसको सेंसिटिव डेटा में क्लासीफाई किया है. दूसरी चीज़ जो ड्राफ्ट बिल होता है वो कहता है कि सेंसिटिव जो पर्सनल डेटा है इट कैन बी प्रोसेस्ड ओनली विद द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द पर्सन. मतलब उस व्यक्ति का एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आप उसकी जो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हो या उसको प्रोसेस कर सकते हो. फिर ड्राफ्ट बिल ये भी करता है, कहता है कि देर इज अ राइट टू बी फॉरगेटन वेयर द पर्सन शैल हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा. यहाँ पे व्यक्ति अपने डेटा का डिस्क्लोजर रोक सकता है किसी मोमेंट, इसको राइट टू बी फॉरगेटन बोलते हैं. उसका पुराना डेटा जो रहेगा उसको भूल जाना पड़ेगा. देन पर्सनल डेटा इज़ टू बी स्टोर्ड इन इंडिया. इंडिया में आपको एक डाटा लोकलाइजेशन जिसको बोलते हैं, डाटा लोकलाइजेशन मतलब कि जो यहाँ के यूजर्स का डेटा है उसको आप इंडिया में भी स्टोर करोगे एक जगह. एंड प्रोसेस आप भले इंडिया के बाहर कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि एक कॉपी यहाँ बनानी पड़ेगी जिसको डाटा लोकलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है ना. और पेनल्टी भी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, अगर लोग वॉयलेट करते हैं प्रोविजंस को तो 5 करोड़ रुपये तक की पेनल्टी या 2% तक का जो टर्नओवर है उसका 2% लग सकता है रेट ऑफ पेनल्टी. ओके, सो दिस इज द थिंग विच इज देयर. ये भी इंपॉर्टेंट था. लोकसभा पासेस बिल टू सेटअप यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज. तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके लिए यूनिफाइड अथॉरिटी बनाने के लिए लोकसभा ने एक बिल पास किया जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल. तो बेसिकली इंडिया और इंडिया से रिगार्डिंग जो ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, रेमिटेंस सर्विस या ये सारी सर्विसेज जो हैं, इनके रिगार्डिंग बेसिकली एक यूनिफाइड अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है. उसी के लिए बिल आया है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल 2019. ठीक है ना. अब
ये है क्या बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC होता क्या है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेंटर क्या करता है, इट प्रोवाइड ज्यूरिसडिक्शन फॉर कैरिंग आउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेस्टिकली। अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे इंडिया में आके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली उनका ज्यूरिसडिक्शन इस IFSC के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगर कोई फॉरेन प्लेयर है और वो इंडिया में आके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपका वो IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के जुरिडिक्शन में आएगा। पहला जो IFSC इंडिया में है ये सेटअप हुआ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर में, वहाँ सेटअप हुआ है फर्स्ट IFSC इन इंडिया। ये कहाँ सेटअप हुआ है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ IFSCs दैट कैन बी सेटअप, कोई लिमिट नहीं है कि कितने IFSCs सेटअप हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कई लोगों ने ये भी बोला कि IFSC जो होगा वो टैक्स हेवन बन जाएगा और लोग इसे रिरूट करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। तो ये क्लेम्स भी जो आ रहे थे, इनके भी इनके अगेंस्ट में बोला गया, बिल में भी बताया गया कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। बट याद रखिएगा कि यूनिफाइड अथॉरिटी, ये लिखा हुआ है, इट द बिल प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मार्केट है उसको डेवलप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी सेंट्रल लेवल पे, ओके। एंड दिस अथॉरिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल ऑफ 2019। पहला IFSC सेंटर इंडिया में गुजरात गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में बनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा प्लीज़। ICJ में ऑंग सैन सू की ने जीनोसाइड के एलिगेशंस को गलत बताया है। आप सबको पता है कि अभी बेसिकली हुआ क्या था कि बहुत सारे रेप्स और बहुत सारे बच्चों की इलीगल किलिंग, एंड गैम्बिया ने इसके ऊपर बेसिकली एलिगेशंस लगाए थे म्यांमार के ऊपर, ओके। तो गैम्बिया ने एलिगेशंस लगाए थे कि म्यांमार में बहुत ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ इस तरह की गतिविधि की गई, इनको मारा गया, पीटा गया और मर्डर किए गए, ब्रूटल मर्डर, रेप्स हुए। बट ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आंग सैन सू की ने इस चीज़ को नकार दिया है। ICJ के बारे में आप सबको पता है, इट्स UN कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है इसको, और इसमें 15 जजेस होते हैं, देर आर 15 जजेस, एंड उनका जो टर्म होता है वो 9 ईयर्स का होता है, 15 जजेस टर्म पीरियड होता है 9 ईयर्स का, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेगा। बोगनविले वोट्स टू बिकम वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। अब एक रेफरेंडम हुआ था बोगनविले में, एंड ये बोगनविले जो है कहाँ से फ्रीडम चाहता है, ये पापा न्यूगिनी से फ्रीडम चाहता है, ओके। सो याद रखेगा, इट वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम द पापा न्यूगिनी, ओके। वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम आप सबको पता होना चाहिए कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक मीन होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अलग अलग मीन होते हैं, कौन कौन से तो बताइएगा आपको। एक होता है आई थिंक प्लेबिसाइट, एक होता है रेफरेंडम, रिकॉल, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेथड्स हैं। तो प्लीज़ डू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट किस तरह से हो सकता है, ओके। डायरेक्ट क्या क्या है? तो रेफरेंडम उनमें से एक होता है, एंड यहाँ पे 98% जो पॉपुलेशन है वो बोल रही है कि पापा न्यूगिनी से उनको सेपरेट होके एक अलग कंट्री बनना है। सो न्यूएस्ट कंट्री बन जाएगा बोगेनविले, ओके। सो दैट इज़ द न्यूज़ कमिंग आउट, सो ये याद रखिएगा, पापा न्यूगिनी से लोगों ने फ्रीडम मांगी है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। आंसर्स एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चंस वेरी इजी आई थिंक। पहला जो क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग, दूसरा क्वेश्चन था फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा क्वेश्चन था आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आंसर है ABB, पहले का आंसर है ए यानी कि 1 2 3 4, दूसरे का आंसर है US और आयरलैंड से फिलोसॉफिकल पार्ट है, US से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स और आयरलैंड से हमने DPSPs, वही इसका फिलोसॉफिकल पार्ट है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हमने यहाँ पे US यानी आयरलैंड से लिया है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन था तीसरा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टेरिटरी ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि टेरिटरी के अंदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर टेरिटरीज तीनों आते हैं, यानी यूनियन के अंदर केवल स्टेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो यूनियन के अंदर आता है स्टेट्स और टेरिटरी के अंदर आता है क्या क्या, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड एक्वायर टेरिटरीज। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडियन यूनियन जो है एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, मतलब यूनियन अपने आप में नहीं टूट सकता लेकिन स्टेट्स को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, होता भी आया है, हैदराबाद, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, एंड उसके बाद उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ हमने देखी है। तो ABB विल बी द आंसर। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।